बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं रियाज इलेक्ट्रिक्स के। दोस्तों आज मैं जिस मौजू पे आपको बात करने वाला हूँ, अक्सर इलेक्ट्रिकल के हवाले से सिंगल फेज और थ्री फेज का नाम तो आपने सुना, वीडियो में मैं खुलासा करने वाला हूँ सिंगल फेज और थ्री फेज के पूरे कॉन्सेप्ट का, कि इसका क्या मतलब होता है और इन दोनों में क्या फर्क है। तो ये वीडियो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, फेस क्या होता है, इस फेस का क्या मतलब है। जैसा कि आपने मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनियों या टाउन्स के बारे में मुख्तलिफ सुना होगा, फलां कॉलोनी का ये फेस है, ये फेस टू है। जैसा कि मैं आपको मिसाल के दूं कि मॉडल टाउन फेस वन, मॉडल टाउन फेस टू, या फिर इसी तरह से एक मिसाल दी जाती है कि फलां बंदा बहुत बड़े गम से दो चार हुआ और वो अभी तक इस फेस से बाहर नहीं निकल पाया। तो फेस का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर प्यारे दोस्तों होता है हालत, यानी कि वो अभी तक इस फेस से, इस हालत से बाहर नहीं निकल पाया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी चीज में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारने के लिए या फिर किसी चीज को, किसी लोड को इन ऑन करने के लिए, ख्वाब वो कोई भी बल्ब हो, पंखा हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई भी चीज हो, हमेशा दो तारों की जरूरत होती है। एक को कहते हैं हम फेस वायर और दूसरी को हम कहते हैं यानी कि न्यूट्रल। और जो फेस वायर होती है उसको हम आमतौर पर देसी जबान में हम कहते हैं गर्म तार, और दूसरी की जो है न्यूट्रल होती है उसको हम कहते हैं ठंडी तार, जो कि ब्लैक कलर में होती है। इसको हम न्यूट्रल या फिर ठंडी तार का नाम भी देते हैं। ये जो फेस वायर है, इसको फेस कहने की वजह यही है दोस्तों कि इसमें से करंट जा रही होती है। तो करंट का गुजरना, करंट का जाना, करंट का ट्रेवल करना, ये एक हालत है, और ये करंट फेस वायर में से जाकर इस मुतलका लोड को ऑन करती है, न्यूट्रल वायर के रास्ते से वापस आ जाती है। तो गोया फेस वायर से करंट जाती है और न्यूट्रल वायर से वापस आ जाती है। तो ये जो फॉर्मेशन होती है, इसको हम इलेक्ट्रिकल की जबान में सर्किट कहते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त दुनिया के अंदर दो किस्म के निजाम, दो किस्म की सप्लाइयों के सिस्टम जो है वो राइज हैं। एक है सिंगल फेस सप्लाई और दूसरी है थ्री फेस सप्लाई। थ्री फेस सप्लाई जो है वो सिंगल फेस सप्लाई के अंदर जो है वो हमारे पास दो तारे होती हैं, सिंगल फेस में दो तारे होती हैं, एक फेस वायर और दूसरी न्यूट्रल वायर, इसलिए इसको हम टू वायर सिस्टम का नाम भी देते हैं। दूसरी सप्लाई जो होती है हमारे पास थ्री फेस सप्लाई होती है, जिसके अंदर तीन अदद फेस और एक अदद न्यूट्रल वायर होती है, और इसके भी आगे जो है विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन है, यानी कि दो अकसाम है, एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो वायर की, इसको हम कहते हैं थ्री फेस फोर वायर सिस्टम। और जो डेल्टा सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम। तो अब प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ी सी मजीद गहराई में ले जाने वाला हूं, तो आप यहां पर आपको अपनी सांस जो है वो थोड़ी रोक लेनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जो पूरा पहाड़ है, पूरी जो बुनियाद है, वो तीन अदर मशीनों के ऊपर है। तीन अदर मशीनें जो हैं वो कायम है, यानी कि जो तीन मशीनें हैं ये इलेक्ट्रिकल के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो कि जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर। इस तरह से तीनों मशीनों को भी आगे जो है वो दो दो अकसाम है, यानी कि सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर, सिंगल फेज जनरेटर और थ्री फेज जनरेटर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। अब ये जो जनरेटर होता है ये बिजली को पैदा करता है, ट्रांसफार्मर इसको कंट्रोल करता है यानी कि काम या ज्यादा करता है, और मोटर इस बिजली को इस्तेमाल करती है। तो बुनियादी तौर पर प्यारे दोस्तों, जितने भी जनरेटर होते हैं जो कि पावर हाउसेस में लगे होते हैं, जो बिजली बनाते हैं और इसके बाद हमारे पूरे मुल्क को भी बिजली की ये जरूरियात देते हैं, वो पूरी होती हैं, तो वो जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जिनकी रेटिंग मेगावाट्स के अंदर होती है, वो सारे के सारे थ्री फेज जनरेटर होते हैं। और इनकी जगह हम छोटे जनरेटर अपने घरों के अंदर आर्जी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं सिंगल फेज जनरेटर। थ्री फेज जनरेटर जो कि पावर प्लांट्स के अंदर लगे होते हैं, ये हमेशा स्टार कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इनमें से हर एक जनरेटर के अंदर से चार तारे निकलती हैं, जिनमें तीन अदद फेज होते हैं और एक अदद जो है वो न्यूट्रल होती है। और फिर वो जो बिजली पैदा करते हैं, इस बिजली को मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम सिर्फ इनमें से तीन फेज वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, और चौथी वायर जो है वो हम खर्च बचा लेते हैं, यानी कि हम इस सारे ट्रांसमिशन को जो है वो डेल्टा के अंदर करते हैं। जैसा कि आपने बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स के ऊपर देखा होगा कि सिर्फ तीन वायर्स जो है वो जारी होती हैं, तो वो जो सिस्टम होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम या फिर डेल्टा सिस्टम। लेकिन प्यारा दोस्तों, वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो बहुत ज्यादा बिजली जब ग्रिड स्टेशन से होती हुई हमारे घर के बाहर लगे हुए सब स्टेशन यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर आती है,
तो हम इसको फिर दोबारा से स्टार सिस्टम के अंदर यानी कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें न्यूट्रल चाहिए होती है अपने ग्रिड लोड को चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन होती है वो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के अंदर होती है, और जो लोकली डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिजली की वो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के अंदर होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपने अपने घरों के पास गलियों में या फिर कॉलोनियों के अंदर दो किस्म बिजली के खंभे या फिर जो पोल्स होते हैं वो देखे होंगे। एक होते हैं सीमेंट वाले खंभे जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, और दूसरे होते हैं लोहे वाले खंभे होते हैं उनकी हाइट जो है वो थोड़ी कम होती है। तो ये जो सीमेंट वाले खंभे होते हैं प्यारे दोस्तों, इनके ऊपर आपने देखा होगा इनके अंदर दोस्तों वोल्टेज जो है वो 11 kV यानी कि 11 kV की लाइन्स होती हैं, जो कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम यानी कि डाटा सिस्टम के अंदर लाई हुई होती हैं, और 11 kV के एक आम कंज्यूमर के इस्तेमाल के काबिल वोल्टेज बनाने के लिए प्यारे दोस्तों आगे एक अदर ट्रांसफार्मर जो है वो रखा जाता है, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो कि इस 11 kV को फिर 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और आगे थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, और इसके बाद इसका आगाज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। और इस काम के लिए फिर लोहे वाले खंभे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके ऊपर आपने देखा होगा कि चार तारे जो हैं वो वर्टिकली ट्रेवल कर रही होती हैं ऊपर नीचे। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं प्यारे दोस्तों थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो ये जो चार तारे ऊपर नीचे वर्टिकली जा रही हैं, इनमें सबसे ऊपर जो है वो तीन अदद फेस होते हैं, जिनकी इंडक्शन जो है रेड येलो और ब्लू फेज के अंदर करते हैं, और सबसे नीचे वाली जो तार होती है वो न्यूट्रल होती है। इसके अलावा यानी रिहायशी इलाके के अंदर या कॉलोनीज के अंदर एक पांचवी तार भी एक्स्ट्रा डाली जाती है, जो कि स्ट्रीट लाइटिंग के पर्पस के लिए होती है। इनको सप्लाई देने के लिए दोस्त जितने भी थ्री फेज कंज्यूमर होते हैं इनको डायरेक्टली इन्हीं चार तारों की मदद से एक फोर के बल्ब के जरिए थ्री फेज मीटर लगाकर जो है वो इनको बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन जो सिंगल फेज कस्टमर होते हैं इनके लिए सिर्फ एक फेज और एक न्यूट्रल जो है वो आगे पहुंचाई जाती है, और इनको सिंगल फेज मीटर के जरिए जो है वो फीड अप किया जाता है, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि सबसे ऊपर वाला मिसाल के तौर पर रेड फेज ले लिया जाता है, और इसके साथ न्यूट्रल कॉमन करके जो दो तारे हैं ये स्ट्रीट नंबर 1 के अंदर दे दी गई हैं। इसके बाद जो नीचे वाला फेस है जो कि येलो फेस है, इसको न्यूट्रल के साथ कॉमन करके स्ट्रीट नंबर 2 के अंदर जो है वो आपने पहुंचा दिया है। और इसी तरह जो सबसे नीचे वाला फेस है इसके साथ भी न्यूट्रल जो है वो सबके साथ कॉमन होती है। जो चार तारे होती है जिनमें से आपने बताया है कि सबसे ऊपर तीन फेज और सबसे नीचे जो है वो एक न्यूट्रल होती है, तो कोई से भी जो दो फेज होते हैं चाहे वो पहला और दूसरा फेज हो जाए, वो दूसरा हो या तीसरा हो या फिर पहला हो, इनके दरमियान में जो वोल्टेज होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं इनको कहते हैं हम लाइन वोल्टेज या फिर VL यानी के लाइन टू लाइन वोल्टेज भी कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इनकी वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों 380 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट। जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि खतरा जो है ऊपर लिखा होता है 440, तो ये 440 नहीं होते, ये 400 वोल्ट होते हैं। ये 380 से 415 के दरमियान में वेरिएबल करते रहते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे चले जाते हैं। तो कोई से भी दो फेजों के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं प्यारे दोस्तों इनको हम लाइन टू डायल वोल्टेज कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि 400 वोल्ट, इसी तरह से कोई से भी फेज चाहिए रेड येलो ब्लू तीनों में से कोई एक फेज के न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं इसको हम कहते हैं फेज वोल्टेज, या फिर वी लाइन या फिर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, और ये होते हैं 220। ये वैसे 230 या 240 तक भी चले जाते हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो 220 वोल्ट है, जो आम छोटे घरेलू सार्फिन के लिए होते हैं, जो कि 5 kW नीचे नीचे होते हैं। सिंगल फेज मीटर के जरिए जो है वो सिंगल फेज सप्लाई यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल जो है वो एक टू कोर केबल के जरिए प्रोवाइड की जाती है। और जो इससे ऊपर बड़े इलेक्ट्रिकल सार्फिन होते हैं, बड़े कंज्यूमर होते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल, जो कि 7 या 10 kW से ऊपर होते हैं, इनको एक अदद थ्री फेज मीटर लगाकर थ्री फेज फोर केबल के जरिए जो है वो डायरेक्टली तीन फेज और एक न्यूट्रल वायर का जो है वो कनेक्शन दिया जाता है। और फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सिंगल फेज और थ्री फेज कनेक्शन के अलग अलग टैरिफ यानी कि रेट लिस्ट भी जो है वो मुतय्यन की जाती है। तो ये बात थी प्यारे दोस्तों सिंगल फेज और थ्री फेज वायर की। इसी तरह से मशीन्स के अंदर भी कैटेगरीज हैं, कुछ मशीनें जो हैं वो सिंगल फेज सप्लाई होती हैं, इसी तरह से आगे मशीनरीज होती हैं इनके अंदर भी कैटेगरीज हैं, कुछ मशीनें जो हैं वो सिंगल फेज सप्लाई के ऊपर ऑपरेट करती हैं, कुछ मशीनें जो हैं वो थ्री फेज सप्लाई के ऊपर
ऑपरेट होती हैं। इसी तरह इन मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो भी कोई सिंगल फेज वाइंडिंग होती है और कोई थ्री फेज वाइंडिंग होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल के अंदर प्यार दोस्तों सिंगल फेज और थ्री फेज का पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि बुनियादी तौर पर जो मेन सप्लाई है वो थ्री फेज ही है। अगर आप इन तीनों फेजों में से कोई सा एक फेज और साथ में न्यूट्रल कॉमन के लिए लेते हैं तो इसको हम नाम देते हैं सिंगल फेज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको सिंगल फेज और थ्री फेज का जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये आपके दिमाग में उतर गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या फिर आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।